तानी सुमर हेयर फ्रॉम टाइटेनियम एजेंसी। आज हम लोग लेक शोर सिटी की साइट पे मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर बिलाल हयात। आज हम इनसे पूछेंगे लेक शोर के हवाले से, पेमेंट प्लान्स, लोकेशन और व्यू के बारे में। जी बिलाल साहब, हमें प्लीज़ बताएं कि लेक शोर, व्हाई लेक शोर इज़ टू मेक शोर। सबसे पहले तनीस, इस वक्त मैं अगर आपको लोकेशन का आइडिया बताऊं तो इस प्रोजेक्ट की ख़ास बात यह है कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो जो नज़ारे आपने टीवी में देखे होंगे, जो वीडियोस में देखे होंगे, वो नज़ारे आपको अपनी आंखों से नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, जो ख्वाब हम बचपन से देख रहे होते हैं या जो हमने इमेजिनेशन की होती है, तो वो आपको बिल्कुल, एक तरफ से पहला ग्राइडिंग हो रही है, फिर दूसरी तरफ से मरगला के जो पहाड़ हैं, ठीक है, और दोनों चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल रही है और वो लेक शोर के प्लेटफॉर्म से मिल रही है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये वाइड प्रोजेक्ट है जो रियल एस्टेट के साथ साथ टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बूस्ट करेगा और इसी वजह से लेक शोर की सबसे ज़्यादा डिमांड भी है। ठीक है, इसकी हमें लोकेशन के हवाले से बताएं कि लोकेशन इसकी एक्सेस किधर किधर से है। अच्छा, बेसिकली ये केपीके में आता है, डिस्ट्रिक्ट हरिपुर के अंदर आता है, लेकिन इसकी 12 किलोमीटर आपका अलेक्जेंडर रोड आता है, इस्लामाबाद का D12 जो सेक्टर है वहाँ से एक रोड आता है, उसको सिकंदर आजम रोड भी बोलते हैं या द ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से वो रोड बना हुआ है। तो ये टोटली 12 किलोमीटर वहाँ से आपके D12 से इसकी मेन एंट्रेंस को आपको एक्सेस होती है। ठीक है, इसके हमें पेमेंट प्लान और टेन्योर का बताएं कि पेमेंट प्लान में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है और इसका पेमेंट प्लान अट्रैक्टिव कैसे है। सर, इस प्रोजेक्ट की सबसे ख़ास बात भी यही थी कि जब इसका पेमेंट प्लान मार्केट में आया था तो उसके अंदर कोई डाउन पेमेंट नहीं थी। ठीक है, तो आपने मतलब वो हैवी डाउन पेमेंट से बचने के लिए इन्होंने अपने डायरेक्टली क्लाइंट के लिए बिल्कुल डायरेक्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से क्या कहते हैं आपकी बुकिंग कंफर्म करवाई है। ठीक है, आप अब बुकिंग हो गई है। ठीक है, और उसके अलावा इसकी ख़ास एक और बात यह है कि इसकी कोई भी आपकी बाय इंस्टॉलमेंट जो आती है साल में 4 महीने के बाद या 6 महीने आती है या बलून आती है या बड़ी इंस्टॉलमेंट आती है, तो वो इस तरह कभी जनरेट नहीं है। आपने इजी वे में अपनी सैलरी से कुछ अमाउंट निकालनी है और अपने प्लॉट के लिए वो उसको वहाँ पर लगाना है। सही, और इसका टेन्योर कितना है, इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? सर, ये हिली एरिया है और ठीक है, इस प्रोजेक्ट को बनते हुए भी तकरीबन 3-4 साल लगेंगे, तो इसका पेमेंट प्लान भी 5 ईयर का पेमेंट प्लान है। 5 सालों के अंदर आप टूरिज्म स्पॉट के ऊपर आप अपना प्लॉट हासिल कर सकते हैं। इसकी कटिंग्स क्या क्या ऑफर की जा रही है? अच्छा, इसकी कटिंग जो है हमारे पास रेजिडेंशियल की बात करें तो 5 मल्ला की और क्या कहते हैं 10 मल्ला, देन आपके एक कनाल की है। ठीक है, फिर इसको दूसरा कैटेगराइज किया हुआ है उसके ऊपर फार्म हाउसेस के ऊपर। ठीक है, ये जो हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं जिसमें ये डैम व्यू आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा फार्म हाउसेस का है। फिर इसके अलावा कटिंग में आपके पास कमर्शियल की भी कटिंग आ रही है जो अभी अनाउंस मतलब हो चुकी है। सर, इसमें एक और ख़ास मैं आपको बात बताना चाहूँगा, पैराग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं मिल रही। ठीक है, ये आपको पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया के अंदर नहीं मिलती। जो आपको ये लेक नज़र आ रही है तो ये आपको ऐसी लग रहा है कि आप किसी ऑस्ट्रेलियन के जजीरे के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ये 12 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद से है और बिल्कुल टेक्सला के बिहाइंड द है। और उसके अलावा अगर मैं टेक्सला की बात करूँ तो इसकी वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ऑलरेडी मौजूद हैं। फिर इसके करीब मेन जीटी रोड है इस्लामाबाद से ऑनवर्ड पेशावर की तरफ जो हज़ारा की तरफ जा रहा है, तो वो भी इसके एक्सेस में है। मीन की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस कदर खूबसूरत व्यू के। सर, ये टूरिज्म बेस्ड प्रोजेक्ट है तो इसके लिए मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवरसीज़ के लिए ये चाह रहे थे कि उनके घर के सामने इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हों, तो वो उनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त मौका है। तो व्यूअर्स, जो लोग अपना प्लॉट बुक करवाना चाह रहे हैं लेक शोर में, वो ऑन स्क्रीन नंबर पर रابطہ करें और मेक श्योर करें कि उनका प्लॉट हो लेक शोर में। थैंक यू सो मच।